वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की तो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया ने दोनों का खेल कर डाला। मतलब इंडिया ने कोई दोनों कंट्रीज की बजा डाली है, मतलब उनके साथ कोई खेल कर डाला है, ये सीन है। अभी कौन सी दोनों कंट्रीज हैं? थंबनेल में तो शी चिनपिंग और बाइडन की शक्ल नजर आ रही है, तो शायद इन्हीं के साथ कोई खेल खेला है। क्या हुआ ये सीन? वीडियो देखेंगे हमें तो आप सही पता लगेगा। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब आपका दुश्मन आपके ऊपर चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। आप भविष्य में एक बड़ी ताकत बनेंगे। यही हो रहा है इस वक्त। अमरीका की कंपनियां, चीन की कंपनियां और यूरोप की कुछ छोटी मोटी कंपनियां इस समय अपनी सरकारों के पास दौड़ी दौड़ी जा रही हैं और अपनी सरकारों से भारत की शिकायतें कर रही हैं कि जी भारत तो हमें बर्बाद कर देगा और आपको भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि इससे भारत के हाथ में एक बड़ी सुपर पावर आएगी। और आप लोग यकीन मानिए, आप सभी हैरान रह जाएंगे जब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत का ये एक फैसला भविष्य में भारत के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और भारत सरकार के इस बड़े अचीवमेंट पर, इस बड़े फैसले को डिटेल से समझते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या किसी भी प्रकार का एटीएम कार्ड है, उसके नीचे या तो आपको वीजा लिखा मिलेगा या फिर मास्टर कार्ड लिखा मिलेगा। और ये भारत का ही हाल नहीं, ये पूरी दुनिया का हाल है। पूरी दुनिया में अगर 10 एटीएम या क्रेडिट कार्ड हैं, उनमें से 8 आपको या तो वीजा के मिलेंगे या फिर मास्टर कार्ड के मिलेंगे। लेकिन ये है क्या? दरअसल ये दो अमरीकी कंपनियां हैं, वीजा और मास्टर कार्ड। और आप जानकर हैरान होंगे कि हर वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पेमेंट हो रहे हैं, मतलब कि जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कार्ड के जरिए, उसमें 70-80% कंट्रोल करते हैं वीजा और मास्टर। और इतना ही नहीं, इससे इन अमेरिकी कंपनियों को खूब मुनाफा भी होता है, क्योंकि हर बार जब आप अपने कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी को पैसे का लेन देन करते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा वीजा और मास्टर कार्ड को हमेशा मिलता है। उससे भी ज्यादा बड़ा फायदा ये है कि इन दो कंपनियों को ये भी पता रहता है कि किस व्यक्ति की पैसा खर्च करने की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना पैसा कहाँ पर खर्च करता है, यानी कि डाटा, जिसे आज की तारीख में तेल से भी मूल्यवान माना जाता है। एक बहुत ही बड़ा विशालकाय डाटा का भंडार भी इन सब के जरिए अमेरिका को मिलता रहता है और इसके जरिए अमेरिका को बहुत सारा फायदा मिलता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, वहां से वीजा और मास्टर कार्ड ने पुल आउट कर लिया, यानी कि रूस से बाहर हो गई ये दोनों कंपनियां। इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि पूरे रूस के अंदर जितने भी क्रेडिट कार्ड थे, डेबिट कार्ड थे, सब के सब एटीएम कार्ड धरे के धरे रह गए, सिर्फ प्लास्टिक का कचरा बनकर रह गए। लोग उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने बस एक स्विच ऑफ कर दिया था। इतना ही नहीं, दूसरा बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपके पास डाटा का एक बड़ा भंडार होता है। उस डाटा का इस्तेमाल से आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, तीसरा बड़ा फायदा ये है कि इससे अमेरिका को हर साल कई सौ अरब डॉलर का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे। और ये सब कुछ कैसे संभव हो पाता है? अमेरिका की पेमेंट सिस्टम डोमिनेंस की वजह से। अब भारत ने अब से कुछ साल पहले सोचा कि ये डोमिनेंस तो तोड़नी पड़ेगी, वरना भविष्य में हमें भी अमेरिका परेशानियों में डाल सकता है। और इसलिए भारत ने शुरू किया रुपे कार्ड। इस रुपे कार्ड को शुरू में लेकर कुछ खास एक्साइटमेंट था नहीं, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने, मतलब जो हमारे डोमेस्टिक यहाँ पर बैंक थे, उनके एटीएम कार्ड को मास्टर कार्ड और वीजा से हटाकर रुपए में बदलना शुरू किया। लेकिन सरकार की सोच बहुत लंबी थी और इसीलिए अब दुनिया भर में भी रुपए कार्ड को फैलाना शुरू कर दिया है, जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड फैले हैं। नेपाल अब चौथा देश बन गया है जहां पर रुपए कार्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे विकसित देश अब से कुछ महीने पहले ही रुपए को एक्सेप्ट कर भी चुके हैं। इसके अलावा भूटान और अब नेपाल, और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में मालदीव, श्रीलंका और इसके अलावा तमाम जो एशिया के देश हैं,
वो धीरे धीरे करके रुपए को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, यानी कि भारत की जो पेमेंट सिस्टम डोमिनेंस है वो एशिया में शुरू हो चुकी है। और इससे अमेरिका ही नहीं चीन को भी दर्द हो रहा है, क्योंकि चीन ने ये करने की कोशिश अब से एक दशक पहले यानी कि 10 साल पहले ही कर दी थी, लेकिन चीन पर किसी को भरोसा नहीं था। उन्हें डर ये था कि कहीं ये चीन हमारे फाइनेंशियल मार्केट को आकर कंट्रोल ना करने लगे, और इसीलिए चीन को एक्सेप्टेंस नहीं मिली उसके पड़ोस में। लेकिन भारत की जो छवि है, इमेज है, हमें उसका फायदा मिल रहा है, और तमाम देश भारत के पेमेंट सिस्टम को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यकीन मानिए भविष्य में ये भारत के लिए एक महाअस्त्र की तरह साबित होगा, जो पैसा भी कमा कर देगा और दूसरे देशों को घुटनों पर भी लाएगा। तो भारत सरकार की और भारत की इस मुहिम पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल तो रशिया को भी पाकिस्तान में, तो मैं बताऊं पाकिस्तान में 90% से ज्यादा ये वीजा और ज्यादा मैंने वीजा देखा है वाकई, मतलब मेरा अपना कार्ड जो वीजा है वो। हाँ भाई बिल्कुल। और यार मतलब ये चार कंट्रीज ऑलरेडी हो गई हैं, जिसमें से यूएई शामिल है, जहाँ पे दुनिया के लोग जाते हैं, नेपाल, भूटान, यूएई। अब इंडिया में तो यूज हो ही हो रहा है, देख लो। और यार ये बहुत बड़ी बात है, देखो इंडिया श्रीलंका मालदीव्स और इंडिया आने वाले कल के बारे में सोचता है कि यार आगे क्या होगा, किस तरीके से हमने करना है, उनको भी सिंगापुर में भी भाई सिंगापुर हाँ सॉरी एक सिंगापुर भूल गए। मतलब जितनी भी इनकी दोस्त अच्छी जिनसे रिलेशन है उधर ये स्टार्ट कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ देशों में ये मतलब फायदा होगा। मतलब अभी छोटी मोटी कंपनीज जो है, मतलब और बड़ी भी कंपनीज, वो अपनी सरकारों से कह रही है कि इस तरह हो रहा है, इस पे मतलब काम रुपए, मतलब वो रुपए एक मतलब अच्छा। हाँ। और मजे की बात, यूपीआई इंडिया में बहुत चल रहा है, वीजा से सालाना अरबों डॉलर का मिलता है उनको, मतलब रेवेन्यू अरबों डॉलर का। और उनके पास मजे की बात ये कि डाटा हर किस्म का उनके पास डाटा चल जाता है। अब इंडिया इस चीज में ले रहे हैं, और बाकी यही चीज इंडिया को सुपर पावर बनाएगी, ऐसे स्टेप इंडिया को सुपर पावर बनाएगी। और ऐसे और इंडिया ऐसे ऐसे सारी चीज पे इंडिया मतलब अपना वो यार ये स्टार्टिंग में देखो कोई भी चीज आती है स्टार्टिंग में उसको टाइम लगता है। देखो इंडियंस हो गए, कोई भी देश हो, कोई जब ये इंडिया में रुपए आया था उसको देखो कोई इतना मतलब ज्यादा फायदा नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा, चाइना पे तो भरोसा ही किसी ने किया, और चाइना पे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वीजा और मास्टर कार्ड इंडिया में खत्म होकर शायद ये रुपए स्टार्ट हो जाए, अभी से स्टार्ट हो जाए रुपए बिल्कुल। और कंट्रीज में भी नेपाल, श्रीलंका, मालदीव की भी बात हो रही है, जापान वगैरह भी ले लेंगे, मतलब सऊदी अरेबिया, हर जगह फिर रुपए चलेगा, तो ये बहुत बड़ा फायदा है, बहुत अच्छी बात है वाकई में। गाइस आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये इंडिया का स्टेप कैसा है? मुझे तो बहुत ही तगड़ा लगा, अच्छा स्टेप है, मैं कहता हूँ ये एक किस्म की गेम चेंजर है, गेम चेंजर है बिल्कुल। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दो, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।